भूभागरा ने बहुत सैक्रिफाइस किया है, बलिदान दिया है। मैं खुद नहीं लड़ा क्योंकि मैं सबको दिखाना चाहता था कि बलिदान भी एक कर्म का फल होता है। मैं खुद नहीं लड़ा क्योंकि मैं आपके अंदर एक आग जगाना चाहता था कि आपका राजा आपसे प्यार करता है, अपना लिए कुछ नहीं कर रहा है, आपको कुछ देने के लिए कर रहा है। इलेक्शन खत्म होगा, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार देंगे, मैं उसके लिए फाइट करूंगा। लेकिन इसके बाद और कोई इलेक्शन नहीं है और ये मेरा आखिरी दिन है, और इसके बाद आप भूभागरा को ऐसे मंच में नहीं देखेंगे। ये बात मैंने अपना मां को भी नहीं बताया, ये बात मैंने अपने पार्टी में किसी को नहीं बताया, ये बात मैं पहले बार आपको बता रहा हूं कि मेरा टाइम नेता में, राजनीति में अब खत्म। अब मेरा टाइम है आपके लिए स्कूल बनाना, आपके लिए हॉस्पिटल बनाना, हमारा गुरु के लिए कुछ काम, आपको कुछ नौकरी देने के लिए कोई रास्ता निकालना, यूथ को कोई चांस देना। अब मेरा वो काम, अब मैं और 16 तारीख के बाद आपसे कभी भी वोट मांगने नहीं हूं। बहुत लोग समझ नहीं पाएगा भूभागरा ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन भूभागरा दुखी है, भूभागरा के अंदर बहुत दर्द है। भूभागरा को अपना ही पिपरासा ने, बहुत पिपरासा ने धोखा दिया, लेकिन भूभागरा वो नेता को देख के पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। भूभागरा आपको देख के, आपका भविष्य को देखकर, आपका चिंता करके भूभागरा फाइट कर रहा है, इनके लिए।